शिल्पी, आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ ओट्स का एक बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता। तो बहुत कम तेल में बन जाता है, फटाफट बन जाता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। तो शुरू करें। हाँ, तो यहाँ मैंने ओट्स लिए हैं, तो ये इस तरह के ओट्स जो आते हैं वो लिया है, और ये आधा कप ओट्स थे जिसको कि मैंने पीस लिया है। तो इसको रोस्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही बस डायरेक्टली तो मिक्सी इसको में कितना डाल। पीसना है, लगभग आटे जैसा? हाँ, ये देखो एकदम बारीक हो गया है, उतना पीसना है जब तक ये बारीक हो जाए। तो आधा कप ओट्स में हम मिला रहे हैं आधा कप सूजी या रवा, और इसमें डालेंगे आधा कप दही। तो एग्जैक्टली एक ही सेम क्वांटिटी में रखना है तीनों चीज़ें, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, और इसका हमें बैटर तैयार करना है। ये देखिए मैंने अभी बेसिक बैटर तैयार किया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। तो लहसुन डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं हम। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे इसमें। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, और अब हम इसको कवर कर देंगे और करीब 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। और यहाँ है मेरे पास थोड़ा सा चटनी का सामान, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी पालक है, जितनी पालक है उतना ही पुदीना उतना ही धनिया, और कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, और ये रोस्टेड चना और काला नमक, हरी मिर्च, तो ये भुना दाल नहीं जीरा। है? नहीं, ये दाल नहीं है, ये रोस्टेड चना है। ऐसी खाते हैं ना जो रोस्टेड चना, वो वाला है ये। तो आप इंग्रेडिएंट एक बार फिर बता दें, क्योंकि मैंने बीच में आपको टोक दिया था। हाँ, तो ये रोस्टेड चना, काला नमक, हरी मिर्च, भुना जीरा और ये दही, बस इनको मिला के हमें पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डलेगा बस, बहुत पतली चटनी नहीं तैयार करनी है। तो मैं चटनी तैयार करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने चटनी पीस ली है, और आप देखिए इसको इतना पतला ही रखना है। और हमारा जो बैटर है वो भी फूल के अब तैयार हो गया है अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियाँ। तो मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक काटा हुआ, इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक काटी हुई शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, और 1 बारीक किया हुआ टमाटर, थोड़े से मटर, तो ये बॉईल किए हुए मटर हैं। इसमें डालेंगे चुकंदर थोड़ा सा कटा हुआ, चुकंदर ना डालना चाहें तो आप गाजर भी डाल सकते हैं किसके, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। और अब इन सब चीज़ों को फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें सब्जियां जो है सब अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको अच्छी लगे। काफ़ी फिलिंग और काफ़ी डिफरेंट टाइप का ब्रेकफास्ट लग रहा है अभी। हाँ, बहुत टेस्टी भी होता है, इसीलिए मैंने कहा बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ मिलाते हैं। और मुझे थोड़ा थिक लग रहा था बैटर, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। ये देखिए हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इनो पाउडर। तो इनो पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच बेकिंग सोडा के ऊपर 1 टीस्पून जो है आप लेमन जूस डालें या नींबू का रस डालें, वो बिल्कुल सेम इफेक्ट देगा। तो इनको एकदम फ्लफी बनाना है हमें, इसलिए मैंने इसमें इनो डाला है। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे बीच में, और इस पे डाल देंगे थोड़े से राई के दाने। और अब हम एक लैडल बैटर जो है इसके ऊपर डाल देंगे, तो इसको फैलाना नहीं है हमें, इसी तरह का रखना है। इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से सिकने देंगे। इसको पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे क्रिस्पी सिक सके, और इसको पलट देंगे। और इसको हम अब अच्छे से नीचे से भी क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए सिक के बिल्कुल तैयार है, दोनों साइड से एकदम क्रिस्प हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, तो आपने देखा कितना टेस्टी, यमी और क्विक ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। मैं तो इसे कभी कभी लंच या डिनर में भी बना लेती हूँ, बहुत ही फिलिंग होता है। तो ट्राई करिएगा, और इस चटनी के साथ ही ट्राई करिएगा, तभी ये कॉम्बिनेशन ऑसम लगता है खाने में। तो ट्राई करें, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।